आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अरे बप्पा रे, ब्लूटूथ गिर गया मेरा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सार्थक प्रयत्नों के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख आता रहा है और हमारा ये प्रयास रहा है कि हमेशा ही आप सभी लोगों की समस्याओं के लिए और आप सभी लोगों के समस्याओं के निवारण और आपको तात्विक परिणाम प्राप्त कराने के लिए। तात्विक परिणाम का मतलब समझते हैं, जो कि सुकून दे मन को और शांति दे, उसी को तात्विक परिणाम बोलते हैं। ऐसे परिणाम के लिए हम लोग हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं और प्रयासों में जाहिर सी बात है कि अगर ईमानदारी है, निष्ठा है, तो आप सभी लोगों को उसका सार्थक प्रयत्न का परिणाम अवश्य ही देखने के लिए मिलता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है। जोड़िए अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ में और आप लोग भी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक प्रमुख अपडेट आप सभी लोगों को देना चाहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जो याचिका हम लोगों की हुई थी उस पर आदेश आया था। आज की डेट में देख लीजिए, जितने भी हमारे याची हैं उनको दोबारा आवेदन करने का अवसर प्राप्त हुआ है और वो लोग आवेदन करेंगे। सिर्फ याची ही करेंगे जो याचिका में भाग लिए थे, अदरवाइज और किसी के लिए ये आदेश नहीं है, ठीक है ना। केवल याची लाभ है इस पर। ऐसे ही आप सभी लोगों को TGT और PGT पे भी लाभ दिलाने और 72,825 पे भी लाभ दिलाने का प्रयत्न हम लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। हमारा और मार्गदर्शन अकादमी का संयुक्त याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ रही है, जिसमें 72,825 का मामला जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा और जितने भी याची होंगे उनको अवश्य ही जो है काउंसलिंग कराने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि सीटें हमारी लोग की पूरी जो न्यू एड की काउंसलिंग थी वो एक दिन होने के बाद रुक गई थी। तो ऐसा नहीं कि सभी विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी, नहीं, जो याचिका में पार्टिसिपेट किए रहेंगे उन्हीं की जो है काउंसलिंग होगी, उन्हीं को ही नियुक्तियाँ प्राप्त होंगी। मजबूत पैरवी आप सभी लोगों को मुकाम हासिल करा सकती है और उसके लिए हम लोग स्वयं भी प्रयासरत रहते हैं कि आप लोगों के लिए मजबूत पैरवी की जाए। TGD PGT के लिए भी 4 सुनवाइयाँ होने के बाद यथास्थितियाँ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी, लेकिन हमारे जो याचिकागण हैं वो खुद ही जो है संपर्क करना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो आप लोग यदि याची लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 97241 4385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि जो भी विद्यार्थी 72,825 न्यू एड के हैं, नए विज्ञापन के हैं या TGD PGT 2016-2021 के हैं, ऐसे विद्यार्थी मकर संक्रांति के पहले पहले मतलब 12 तारीख तक अगर जुड़ना चाहें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप सभी लोगों को हम इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो तत्काल जुड़ जाइए और आप लोगों को मजबूत पैरवी करा के याची लाभ अवश्य ही प्राप्त कराने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व विदित है कि सारी प्रक्रियाएं कानूनी तौर पर होती हैं तो जाहिर सी बात है वो वैध होती हैं, ठीक है ना। देर किस बात की, 97241 4385 पर संपर्क करके आप सभी लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। TGD PGT 2016-2021 72,825 जो नया विज्ञापन आपको 2012 में जारी हुआ था। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। अब बताएंगे आप सभी लोगों को TGD PGT के एग्जाम के लिए। देखिए, इस समय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पूरी तरीके से कार्य करने से रोक दिया गया है, ठीक है। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसमें कोई कार्य नहीं कर रहा और जो नया आयोग बन रहा है उसमें अब नए तरीके से जो आप लोगों की नियमावली आज बनाई गई थी, जो विज्ञापन जारी हुआ था टीजीटी पीजीटी का, उनमें जिन जिन शर्तों का उल्लेख किया गया था, ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, उनमें जिन जिन शर्तों का उल्लेख किया गया था, ठीक है ना, विज्ञापन में जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया था, यदि विद्यार्थी उन चीजों को फॉलोअप नहीं किए हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को टीजीटी पीजीटी 2022 के जो है एग्जाम से वंचित किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है कि किसी भी विद्यार्थी को एग्जाम से वंचित ना किया जाए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि विद्यार्थियों की अपनी गलतियां, किसी ने क्या किया है, 500 में 500 पूर्णांक भर दिया है, अब लो मतलब 500 पूर्णांक 500 प्राप्तांक, तो जाहिर सी बात है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है,
ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी के फार्मों की स्कैनिंग जो कंप्लीट हुई थी, एक बार फिर से उसको रैंडमली जो है वो चीजें स्कैन की जाएंगी। और सबसे अहम बात यह है कि जो एसएसटी के जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन सारी चीजों को लेकर के कार्य करने के संबंध में जाहिर सी बात है बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वो विद्यार्थी निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां कर सकते हैं, ठीक है ना। और तैयारियां उनकी इसी बात पे रहेगी कि आप लोग तैयारी करेंगे, सफलता यदि आपको मिलती है तो आप नियुक्ति प्रक्रिया भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी नियुक्ति भी ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां आप लोग करते रहें, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपको टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आप सभी लोगों का जो है मार्च में तो फिलहाल मुमकिन नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्च तक आप लोगों का यूपी बोर्ड की परीक्षा ही चलेगी, ठीक है ना। यूपी बोर्ड की परीक्षा के बाद आप लोगों की परीक्षाएं आरंभ होंगी, ठीक है, जिसमें लोक सेवा आयोग के भी काफ़ी सारे वैकेंसीज आने वाली हैं और उनका भी परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है और उसी के माध्यम से जो है चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। अभी एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है, ठीक है ना, कि आपका नया आयोग कराएगा या फिर जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियां तो नया आयोग कराएगा, लेकिन एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को नया आयोग कराएगा या आपका लोक सेवा आयोग कराएगा, इस पे अभी स्पष्टतः निर्णय नहीं हुआ है, ठीक है ना। जब निर्णय होगा तो इसके लिए आप लोगों को अभी 4 दिन का वेट करना पड़ेगा। 4 दिन बाद स्थितियां जो है वो धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी कि आयोग के माध्यम से होगा या आपके लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगा, ठीक है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अस्पष्टता शासन को पत्र जो लिखा था सचिव महोदय के माध्यम से, वो सारी चीज़ें वो डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमने अपनी परीक्षा कैलेंडर में इस चीज़ को स्थान दिया है और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता आदि को भी स्थान दिया है और इसका विज्ञापन हम लोग जारी करके मई माह में इसका पेपर कराने की पूरी पूरी संभावना हम लोगों ने बना ली थी कि हम इसका पेपर मई तक करा देंगे और जून नहीं जुलाई तक इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देते और 31 जुलाई तक विद्यार्थियों की नियुक्तियां भी विद्यालयों में कर देते। इस संबंध में आयोग की तैयारियां पूरी थी, लेकिन शासन ने स्पष्ट कर दिया कि भाई जितने भी प्रकार के अध्यापक होंगे उन सारे अध्यापकों की नियुक्तियां केवल एक आयोग करेगा, ठीक है। अध्यापकों से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी सारी चीजें एक ही आयोग कराएगा। इसमें राजकीय विद्यालयों को किस प्रकार से छोड़ा जा सकता था, राजकीय विद्यालयों में जितने आपके अध्याचन आए थे, जितने पुराने जो है भर्तियों के पद थे, साथ ही साथ प्रमोशन आज से खाली हुए पदों को पूरी तरीके से शासन ने जोड़ने का जो है निर्देश अधिकारियों को दे दिया है कि आप लोग पूरे पदों को ऐड करिए और जितने भी अध्याचन शेष हैं उन सारे अध्याचनों को इंक्लूड करने के बाद पदों की ओरिजिनल संख्या अपनी वेबसाइट पर जो है आप लोग अपलोड करिए, ठीक है। विद्यार्थियों को ये पता चलना चाहिए कि हमें कितने पदों का आवेदन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग पूरा शेड्यूल जारी करिए, बताइए कि कब से हम आवेदन लेंगे, कब से हम आवेदन का एंडिंग करेंगे और कब से हम जो है एग्ज़ाम आदि कराएंगे, ताकि विद्यार्थी अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड कर सकें एग्ज़ाम पर्पस के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है पूरी तरह मनोयोग से तैयारियां करिए क्योंकि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता इस बार आसान नहीं होने वाली है। जो 2018 में आपने प्रश्न पत्र देखा था उससे भी लगभग 55% 55% ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा टफ पेपर आपको इस बार एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड बदल दिया गया है, ठीक है ना। आप जीएससी लेक्चरर में और जीएससी में अगर आप सहायक अध्यापक बन रहे हैं तो आपको हर चीजों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कमोबेश यही विद्यार्थियों के मन में घर कर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जीके जीएस टीजीटी और पीजीटी में कर दिया जाए, केवीएस आदि के थ्रू, जैसे केवीएस आदि में होता है या डीएसएसबी में होता है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देता हूं कि फिलहाल पुराना विज्ञापन तो इससे अछूता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जो नया विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के लिए आ रहा है, मतलब तदर्थ शिक्षकों की सीटों पर आ रहा है, इस नए विज्ञापन में अधिकतर पद लगभग 24 से 25 हज़ार पद इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो इन पदों को जाहिर सी बात है कि तदर्थों को इसके लिए अधिभार भी प्रदान किया जाएगा। अधिभार मिलेगा तो जो सामान्य विद्यार्थी हैं, मतलब ऑल कैंडिडेट, नॉट फॉर ओनली जनरल, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सामान्य विद्यार्थी की मैं बात कर रहा हूँ तो केवल जनरल के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, नहीं, सभी प्रकार के विद्यार्थी जो आम जनमानस हैं, जो कंपटीशन तैयारी करते हैं, वो सभी विद्यार्थी अप्लाई करेंगे, उनके लिए कोई वेटेज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी बीएड है तो उसको वेटेज मिलता है, आप सभी लोग जानते हैं, टीजीटी में भी मिलता है और आपके प्रवक्ता में भी मिलता है, ठीक है ना। और ये वेटेज आदि जो है
पूरी तरीके से अब समाप्त किया जाएगा और आप सभी लोगों को केवल एग्जाम के माध्यम से ही सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और नए विज्ञापन में कुछ परिवर्तन आपके हो सकते हैं, लेकिन टेट वगैरह जो है लागू नहीं होगा। हाँ, इतनी चीजें जरूर है कि जीके जीएस का प्रस्ताव मैंने आप सभी लोगों को बहुत पहले ही बताया था कि एक बार जो है जीके जीएस का प्रस्ताव सम्मिलित करने के संदर्भ में सचिव महोदय ने भेजा था, जब नवल किशोर शर्मा जी सचिव हुआ करते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने प्रस्ताव बना करके एक बार भेजा था और उसको शासन ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था कि टीजीटी ओपीजीटी में चीजें नहीं होंगी। लेकिन अब चीजें जो है धीरे धीरे बदल रही हैं। वजह इसकी ये मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो नया विज्ञापन आपका आएगा तदर्थ शिक्षकों के पदों पर, उस विज्ञापन में आप लोगों को अमूलचूल परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी आवेदन आप सभी लोग करते हैं विज्ञापन को पूरा बढ़िया बाकायदा एक लाइन से पढ़ लिया करिए, एक एक शब्द उसके क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं, क्या कह रहा है, सारी चीजें आप डिक्लेयर करने के बाद ही फॉर्म भरा करिए, ठीक है ना। अब देखिए नए आयोग में फार्मों की फिल्टराइजेशन जब स्टार्ट होगी तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसमें जो है वो छटेंगे, ठीक है ना। और उन विद्यार्थियों को हो सकता है कि औपबंधिक प्रोविजनल तरीके से जो है एग्जाम आदि देने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन मैं एक बात आप सभी लोगों को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि आइंदा से ऐसी गलतियां आप लोग ना किया करिए। आप लोग अपना भविष्य बनाने के लिए जो है कंपटीशन तैयारी करते हैं तो विज्ञापन में आवेदन में इस प्रकार की गलतियां कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। जो विद्यार्थी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के थे, जिन्होंने एक साथ दो दो गोले काले कर दिए थे, हाई कोर्ट ने भी उनको कह दिया था कि ये वैलिड नहीं है। हम लोगों ने अधिकारियों से प्रयास किया था कि अगर इनका मामला सुलझ जाए और इन विद्यार्थियों के रिजल्ट आदि को जो है मतलब डिक्लेयर किया जाए, इन विद्यार्थियों को भी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये प्रक्रिया हम लोगों की असफल रही, ठीक है ना। ऐसे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्स नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को अप्रैल महीने तक कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों की फरवरी तक मेरिट सूची जारी की जाएगी, उसके बाद वो यूपी बोर्ड का एग्जाम है आप सभी लोगों को पता है, उसके पहले सारे विद्यालय बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं यूपी बोर्ड के पेपर के कारण, ठीक है। तो अब यूपी बोर्ड के पेपर के बाद ही आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, किसकी, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, ठीक है। तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और एक महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को और दे दूं, नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के संदर्भ में पदों की जानकारी आप सभी लोगों को पूर्व विदित है, मांग ली गई है, लेकिन ये एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया वैसी ही प्रक्रिया आप सभी लोगों के लिए अपनाई गई है कि आप लोगों को ये लगे कि हाँ प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, पदों की अच्छी खासी संख्या शासन के पास मौजूद है और शासन इस बात को भी जानता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा विज्ञापन की आवश्यकता है, ठीक है। और इस वर्ष आप लोगों को ये बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा भी, फरवरी में या जनवरी लास्ट से इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। लगभग मान के चलिए कि 27 जनवरी के बाद, 27 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी के पहले आप लोगों का यूपी टेट का 2022 का जो 2023 में विज्ञापन आने चल रहा है, टीईटी का विज्ञापन जारी होगा। ये टीईटी का विज्ञापन इस बार आप लोगों को अच्छा खासा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा और इस बार के टीईटी पास करने के लिए विद्यार्थियों को पसीने छूट के हाथ में आने वाले हैं। पसीना छूटेगा तो हाथ में गिरेगा डायरेक्ट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पेपर को उस तरीके से सेट किया जाएगा। विद्यार्थियों की हमेशा से शिकायतें रही हैं और हमेशा ही ये जो है परीक्षाएं विवादों के घेरे में रही हैं। सीटेट को लेकर के कभी कोई विवाद नहीं होता, क्यों? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पेपर उसका स्तरीय बनता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर बनता है, इस वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। कहीं किसी किताब में कुछ आंसर लिखा है, कहीं किसी किताब में कुछ आंसर लिखा है, तो उसमें जो है बवाल होना तय होता है, ठीक है। पता लगे डीएलएड की किताब में कुछ लिखा है, बीएड की किताब में कुछ लिखा है, तो विवाद होना आम बात हो जाती है। इसलिए इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर बनाने की तैयारी यूपी बोर्ड के माध्यम से, सॉरी आपके नए आयोग के माध्यम से की गई है, ताकि यूपी टेट 2022 का विज्ञापन जो 23 में जारी हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो और 150 प्रश्नों को लेकर के विद्यार्थियों के मन में कोई गिला शिकवा ना रहे और वो किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी ना करें, ठीक है। आंसर की जारी होने के बाद कोशिश यही है उनकी कि कम से कम 200 से 500 ही आपत्तियां आए, अगर किसी की आती हैं तो, अदरवाइज जो ये लाखों लाख विद्यार्थी जो है अपनी आपत्तियां दर्ज करा देते हैं, ऐसी स्थितियां ना होने पाए। और आगामी समय में जो सुपर टेट होगी वो 2024
19 वाली सुपर टेट की तरह नहीं होगी जो 69,000 शिक्षक भर्ती की हुई थी, उसमें भी अच्छे खासे परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। पेपर में स्तरीयता देखने के लिए मिलेगी, उच्च क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी, और आम विद्यार्थी जो 135 145 50 कर ले जाते हैं ना, ऐसे जो है मतलब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। टीजीटी पीजीटी में भी काफी सारे बदलाव हो रहे हैं, और उसके भी पेपर में जो क्वालिटी बनाई जाएगी ना, वो अच्छी क्वालिटी बनाई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद शेष ना रहे। आप सभी लोगों को मैंने हमेशा से ही कहा था कि यदि आप याची बनते हैं तो याची लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा, और वही स्थितियां आप लोगों के सामने आज मौजूद है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात ही नहीं है। चलिए बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए, और डीएसएसबी और केवीएस आदि के जो विज्ञापन जारी हुए थे उनकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी केवीएस डीएसएसबी आदि के नोट्स आप हमारे 97-41-13-85 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। एक बात मैं आप सभी लोगों को और भी बता दूं, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा से ही प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार की हमारे भाई बहनों की समस्या का समाधान हो सके। ठीक है ना, और यदि इस समस्या का समाधान होता है तो जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों के लिए हमारे द्वारा किया गया एक सार्थक प्रयत्न होता है। ठीक है, और हमेशा से ही हमने प्रयास किया है, अगर मेरा धन भी उसमें खर्च होता है तो मैं पीछे नहीं हटता। ठीक है, और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे साथ जुड़िए, ताकि हमारी जो लड़ाई है आप सभी लोगों के लिए लड़ाई है, ये लड़ाई आप सभी लोगों के लिए ही है, और आपको ही इसका परिणाम मिलना है। तो आप लोग हमें मजबूत बना सकते हैं, हमारा सहयोग कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और यदि आप ये चीज़ करते हैं तो उसमें हमें भी आत्मबल मिलता है। भविष्य आपका है और आपने ही इसका फैसला करना है, तो फैसला अच्छा करिए कि आप लोगों को यदि कुछ मिल रहा है, थोड़े से प्रयत्नों में मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। ठीक है ना, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। 2016-2021 टीजीटी पीजीटी की है, और 72,825 नए विज्ञापन के सिलसिले में जो 2012 में जारी हुआ था अखिलेश यादव जी की सरकार में, और एक दिन की काउंसलिंग होने के बाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। बाद में ये विज्ञापन आवेदन करने के बाद भी जो है गर्त में चला गया। ऐसे विद्यार्थियों को रिलैक्स दिलाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर ले लिया, याचिका हमारी पढ़ने चल रही है। आप सभी लोगों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ उसमें, आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। किससे जुड़ेंगे, 97-41-13-85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं हमको। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को धनाधन सब्सक्राइब करना शुरू करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, लाइक जरूर किया करिए। लाइक की संख्या आप लोग 70-75-59-65 ऐसे रख रहे हैं, आप लोग लाइक की संख्या कम से कम 150-200 को पार ले जाइए। ठीक है ना, क्योंकि जो सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं जिन्होंने टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में पार्टिसिपेट किया था, और वो जो मतलब हमारे साथ जुड़े थे, वो सिलेक्टेड विद्यार्थी जब सिलेक्ट हो गए तो चले गए, है ना। पुरानी हमारी वीडियोस देख लीजिए, 250-500 लाइक तक जाती थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि विद्यार्थियों को उसका एडवांटेज मिलता था, लाभ मिला, और वो विद्यार्थी हमारे मार्गदर्शन की छांव में आगे बढ़ गया और उनका सिलेक्शन हो गया। हमने जब उनको नोट्स आज प्रोवाइड कराए, उस नोट्स को भी उन्होंने बहुत सराहा, और उसी के माध्यम से उनका चयन हुआ। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी, और रही बात आपके वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में अभी थोड़ा सा निर्णय कर पाना थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए कि विद्यालय का जो शेड्यूल है, मतलब 20 मई तक विद्यालय चलते हैं, उसके पहले पहले आप लोगों की वेटिंग लिस्ट वगैरह जो फाइनल कर दी जाएगी। ठीक है ना, गर्मियों तक तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से हाशिए पर चला गया है। किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की जो है टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। नया आयोग भी आप लोगों के लिए ही कार्य करेगा, आप लोगों के फेवर में ही कार्य करेगा, किसी भी प्रकार की उलझन की या किसी भी प्रकार के जो है मंथन की आवश्यकता नहीं है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ, और यदि आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ना चाहें तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को व्हाट्सएप नंबर 97-41-13-85 पर संपर्क करके आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता पर बहुत जल्दी ही इसका निर्णय करने चल रहे हैं, और जितने भी प्रयास हो सकेंगे वो सारे प्रयास आप सभी लोगों के लिए किए जाएंगे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।